दोस्तों, हमेशा की तरह आज हम आपको कुछ ऐसे बातें बताएंगे जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा। उन्हीं में से एक है दुनिया के 5 सबसे बड़े सांप। आप में से कई लोगों को सांप बहुत डरावने लगते होंगे या फिर आपके साथ कभी कोई हादसा भी हुआ होगा जिस वजह से आपको सांप पसंद नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ये हमारा फर्ज है कि आपको बताना, जिससे आपको दुनिया के सबसे बड़े सांपों के बारे में जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक देखना ताकि आखिर में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे फैक्ट टेकन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ब्राज़ील रिवर एनाकोंडा। ब्राज़ील की नदी में जब कुछ लोग घूमने निकले थे तब उनका सामना एक बेहद विशाल का एनाकोंडा से हुआ था जो उनकी नाव के आसपास घूम रहा था। इस एनाकोंडा का पेट फूला हुआ था जिसे देखकर पता चल रहा था कि इसने हाल ही में किसी बड़े जानवर को अपना निवाला बनाया था। इस वीडियो में नाव चला रहा आदमी कई बार सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इस वीडियो को कई न्यूज चैनल में शामिल किया गया था, जिसके बाद नाव में सवार इन 3 व्यक्तियों को सांपों को परेशान करने की वजह से $600 का फाइन भरना पड़ा था और 16 महीने की जेल भी हुई थी। नंबर 2, मेडूसा। 12 अक्टूबर 2011 को कंसान सिटी में ये पायथन खोजा गया था। ये सांप 25.2 फीट लंबा था और उस समय इसे दुनिया का सबसे लंबा सांप समझा जाता था। इस सांप की उम्र 10 साल थी और इसे उठाने के लिए 15 आदमियों का सहारा लेना पड़ता था। इस सांप के पकड़ने के बाद इसे फुल मून प्रोडक्शन नामक कंपनी ने अडॉप्ट किया था और इस सांप को मेडूसा नाम दिया था, जिसे खाने के लिए खरगोश और हिरन जैसे जानवर दिए जाते थे। नंबर 3, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट स्नेक। दुनिया के सबसे लंबा पायथन 2016 में मलेशिया की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पकड़ा गया था। इसकी लंबाई 26.2 फीट थी, लेकिन इसके 3 दिन बाद ही अंडे देने के दौरान इस सांप की मौत हो गई। मलेशिया में पाया गया ये और साथ ही ये सांप हमारे पिछले सांप मेडूसा से भी लंबा था, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा गया है। और ऐसा माना जाता है कि इनका लंबा सांप एक बार में 75 अंडे दे सकता है। नंबर 4, कांगो स्नेक। साल 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बेल्जियम के फाइटर हेलीकॉप्टर के एक पायलट ने मिशन से वापस आते समय अफ्रीका के कांगो देश के जंगल में एक बहुत बड़ा जीप रेंगते हुए देखा गया। जब तक वो इस जीप को सही से देख पाते, उनका प्लेन हेलीकॉप्टर आगे निकल चुका था। इसलिए पायलट ने अपने हेलीकॉप्टर को वापस घुमाया तो उन्होंने देखा कि ये जीप असल में एक बेहद बड़ा सांप था। उन्होंने ऊंचाई से इस सांप के कुछ फोटो लिए, फिर उन्होंने इस सांप को और करीब से देखने के लिए और फोटो खींचने के लिए अपने हेलीकॉप्टर को कम ऊंचाई पर उड़ाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो अपने हेलीकॉप्टर से सांप के करीब पहुंचे तो सांप ने हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया। पायलट का दावा था कि अगर ये उस जगह से नहीं भागते तो ये सांप उन्हें हेलीकॉप्टर को निकल सकता था। बाद में इन तस्वीरों का अध्ययन करने के बाद सांप की लंबाई का अंदाजा लगाया गया था तो पता लगा कि ये सांप कुल मिलाकर 100 फीट के आसपास रहा होगा। नंबर 5, 35 फीट एनाकोंडा। 35 फीट लंबा ये एनाकोंडा अब तक दुनिया में पाए गए सबसे बड़े एनाकोंडा में से एक था। इस एनाकोंडा को ब्राजील में एक कंस्ट्रक्शन साइट के दौरान पाया गया था। जब वहां खड़ी एक इमारत को गिराया गया तो वहां गिरा मलबा अपने आप हिलने लगा। जब मजदूर आगे बढ़े तो उन्हें एक बहुत बड़ा एनाकोंडा दिखाई दिया, जिसे देखने के बाद वो सभी दूर भागने लगे। वही कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद इंजीनियर ने बड़ी सूझबूझ से सांप की पूंछ को बांध कर एक 3 मंजिला ऊंची क्रेन से उठा दिया, लेकिन सांप की लंबाई ज्यादा थी जिस वजह से सांप का मुंह अभी भी जमीन पर लगा रहा था। इस सांप की वीडियो भी रिकॉर्ड की गई थी जिसमें इस विशालकाय सांप को दिखाया गया था। इसकी लंबाई 33 फीट और वजन लगभग 40 किलो था, लेकिन ये सांप मलबा गिरने और उसके बाद क्रेन से उठाए जाने की वजह से जिंदा नहीं बच सका। लेकिन ये हमें याद दिलाता होगी कि प्रकृति की रचना कितनी अद्भुत और अनोखी है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद धन्यवाद।